सीहोर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुदेश राय और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बागी हुए रमेश सक्सेना की पत्नी ने भी निर्दलीय पर्चा भरा। देखिए रिपोर्ट। सबसे बड़ा मुद्दा तो है बेरोजगारी। बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करेंगे और जब तक कोई इतना अच्छा कारखाना सीहोर में नहीं खुल जाए कि 2-4 हज़ार लोगों को नौकरी मिले, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और ये स्थिति पैदा कर देंगे कि 2 महीने में हर बार जेल जाने की स्थिति हम बनाएंगे और गिरफ्तारी देंगे। सीहोर की स्थिति से वाकिफ है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ नहीं बल्कि पीछे ले जाया गया है। इंडस्ट्री जो थी वही बंद करवा दी गई। तो सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ का जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट के मायने हैं इंडस्ट्रीज आना चाहिए और नए नए प्रोजेक्ट्स आना चाहिए, चाहे वो स्किल से डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हों या मेरा सफर आप लोगों ने चलाया, एक निर्दलीय के तौर पे चलाया, पर मैं धन्यवाद करूंगा इस मंच के माध्यम से कि इस निर्दलीय को 165 सीट होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमंत्रित करा। क्यों करा कि सीहोर की जनता पे वो आशीर्वाद देना चाहते थे। एक अच्छा लड़का देखा, सीहोर की जनता का प्यार उन्हें हमेशा मिलता रहता था, तो उनने मुझ पर भी आशीर्वाद दिया और जैसे ही उनने मेरे ऊपर हाथ रखा, इन पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि सालों साल में जो काम नहीं हुए वो आपके आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से करोड़ों अरबों के काम आपके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए।